हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चीज कबाब। जिसके लिए सामग्री लगेगा तो हम बता देते हैं। देखिए, ये मटन का हम गोश लिए हुए, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक इसको कुटवा लिए हैं। ये कीमा है, मटन का कीमा है ये। इधर हम देखिए कटा हुआ प्याज लिए, इस तरह से हम काट लिए बारीक बारीक। इधर हम हरी मिर्च लिए हुए हैं और इधर हम धनिया पत्ती, एक नींबू और थोड़ा सा हम एक कटोरी बेसन लिए हैं। इधर देखिए हम चीज लिए हुए गाइस। ये जीरा है, गोल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक फूल लिए हुए हैं। दालचीनी है, जावित्री है और ये लौंग है और थोड़ा सा हम उसको वो लिए हैं। देखिए हम लौंग लिए गाइस और थोड़ा सा हम जायफल लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, गैस जला लेते हैं। हम देखिए एक कढ़ाई चढ़ा दी है, सारा मसाला जितना है हम इसको भून लेंगे। तो देखिए ये गरम मसाला जितना है हम इसको अच्छी तरह से आगे इसको हम भून लेते हैं। भून कर इसको हम कूट लेंगे। तो इसको आगे हम इस तरह से भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा कि आपका बहुत खुशबू आने लगेगा, अच्छा लगेगा ये। तो हम इस तरह से आगे भून लेते हैं कबाब में। आप लोग भून के डालिएगा तो सारा। तो देखिए गाइस, इस तरह से हम भून लेते हैं सारा गरम मसाले को। देखिए इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगी है। तो इस तरह से आगे हम भून लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो ये भुना गया है गाइस। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं बेसन। तो इसी कढ़ाई में बेसन भी भून लेते हैं गैस। तो इस तरह से हम बेसन को हम भून लेते हैं। इस तरह से देखिए हम बेसन को भून लेते हैं। ये मटन चीज कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है गैस। आप लोग पराठा या रोटी किसी के साथ भी खाइएगा। तो देखिए गाइस, इस तरह से हम बेसन को भून लेंगे। ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, हल्का सा बस। सिर्फ इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम बंद कर देंगे गैस को। तो देखिए इस तरह से हम भून लेते हैं। अब लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो आपका बेसन जल जाएगा। देखिए इस तरह से हम भून लेते हैं। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है गैस। अब इसको हम गैस को कर लेते हैं बंद। हमको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए गैस, हम अच्छी तरह से कीमा को धोकर इस तरह से हम छन्नी में रखे थे कि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो देखिए अब इसको हम निकाल कर एक बाउल में डाल देते हैं इस तरह से। अब इसमें हम सारा मसाला डालेंगे। तो देखिए गाइस, वो छोटा बर्तन था इसीलिए हम बड़ा बर्तन ले लिए। उसमें हम डाल दिए कीमा, इसमें हम सारा मसाला डाल देते हैं। तो ये कटा हुआ प्याज हम डाल देंगे, ये मिर्ची डाल देंगे, अब जितना तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और ये धनिया पत्ती थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ये मटन चीज कबाब बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये जो मसाला हम सारा लिए थे गाइस, जो भुने हैं वो देखिए इस तरह से हम पीस लिए। इसको भी हम सारा डाल देते हैं। अब इसी में कुछ पिसा हुआ मसाला डालेंगे। तो हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। इसी में हम डालेंगे मिर्ची पाउडर एक चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे गाइस। इस तरह से हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए और एक चम्मच हम भर के ये मीट मसाला है इसको हम डाल देते हैं। सारा मीट मसाला हम लिए हैं ये वाला, तो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं गाइस। अब इसी में हम जो बेसन ये भून कर रखे थे इसको भी हम इसी में डाल देंगे।
देखिए इस तरह से है। इसी में बेसन भी डाल देते हैं गाइस। अब इसमें हम डाल देते हैं नींबू। तो देखिए गाइस हम नींबू का रस डाल देते हैं इस तरह से निचोड़ कर। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी तरह हम देखिए मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सारा मसाला को। ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए इस तरह से हम मिला लेते हैं सारा मसाला को। आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको तल के भी इस तरह से कम तेल में भी हम तो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मिला लिए। अब 5 मिनट इसको हम रेस्ट पे रख लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए गैस 10 मिनट हो गया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस हम जला लेते हैं। तो देखिए गैस जला लिए, उसको रख देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा ये फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब से हम ये बना लेते हैं गैस। तो देखिए हम हाथ में तेल लगा लेंगे इस तरह से, कोई चिपकेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए आप कोई शेप में भी बना सकते हैं। अब बीच में हम डालेंगे इस तरह से चीज। देखिए इस तरह से हम, देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं सारा इसी तरह। तो देखिए हम छोटा सा इस तरह से, देखिए इस तरह से ले लिए हैं। इसको ऐसा कर लीजिएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे चीज। अब इसको ऐसे करके पैक कर देंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है गाइस। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। इधर हमारा फ्राई पैन भी गर्म हो रहा है। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं सारा। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप लोग को हमारा रेसिपी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा रेसिपी कैसा लगता है। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं सारा। ये हाथ में नहीं चिपकेगा गाइस, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ डालेंगे, फिर इसको इस तरह से पैक करके बनाएंगे। देखिए इस तरह से मटन चीज कबाब बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। दाल चावल के साथ खाइए या रोटी या पराठा किसी के भी साथ खाइएगा आप लोग। देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। तो देखिए गाइस हम इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। गाइस देखिए हम थोड़ा सा तेल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ज़्यादा तेल में भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, इसको हम डाल देते हैं इस तरह से। इसको हम किलो आँच पे पकाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम स्लो आँच पे इसको पकाएंगे, तेज आँच पे नहीं पकाएंगे। स्लो आँच पे पकाएंगे तो हमारा कीमा कच्चा है गाइस, अच्छी तरह से ये पक जाए। तो देखिए गाइस ये अच्छी तरह से एक तरफ पक गया है गाइस। अब दूसरी तरफ हम इसको पलट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पलटे हैं। तो देखिए गाइस हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिए हैं, निकाल लेते हैं एक प्लेट से। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह आप लोग बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरह से अगर ये रेसिपी
चीज़ कबाब की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा बना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।